मध्य प्रदेश के दतिया में इन दिनों आने वाली 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित होने जा रहे एक बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी चल रही है। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा आयोजित शिवलिंग निर्माण महोत्सव के अंतर्गत देश के प्रख्यात कथावाचक और संत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंच रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दतिया में आयोजित इस शिवलिंग निर्माण महोत्सव के दौरान 4 अगस्त से 8 अगस्त तक हनुमत कथा भी करेंगे। इस दौरान पूरा दतिया इस बड़े आयोजन की तैयारी में जुटा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सपत्नीक छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लिया था और इस आयोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया था। इसके बाद दतिया में उक्त आयोजन के दौरान हनुमत कथा की तारीख तय हुई थी। अब 4 अगस्त से 8 अगस्त तक दतिया में एक बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी की जा रही है। खुद नरोत्तम मिश्रा दतिया में लगातार इस आयोजन को बृहद बनाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। यहां लगभग 2000 से अधिक स्वयंसेवक इस विराट आयोजन की तैयारी में जुटे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने इस आयोजन की जानकारी मंगलवार को साझा की। बड़ा कार्यक्रम है, 3 तारीख को भव्य कलश यात्रा है, 4 तारीख को महाराज श्री श्रद्धेय बागेश्वर धाम जी की भगवान हनुमान जी पर कथा है, जो 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख और 7 तारीख 8 तारीख को उसका समापन होगा। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भाग लेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे।